हाय, दिस इज़ डॉक्टर उमा मिश्रा. मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मदरहुड हॉस्पिटल सेक्टर 48 नोएडा में. तो आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में. ब्रेस्ट कैंसर तो हम सभी जानते हैं, बट ये जेनेटिक लिंकेज इसकी है और जेनेटिक टेस्टिंग के करके हम बड़े सारे ब्रेस्ट कैंसर्स को अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं और बहुत सारी औरतों को बचा सकते हैं. और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है या अंदाज़ा नहीं है. इसीलिए हम आज इसके बारे में आपको कुछ इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे. सो जेनेटिक कैंसर्स में एक इम्पॉर्टेंट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर का है. ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मली 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के वुमेन या उससे ऊपर वालों को ही ज़्यादातर होता है. बट जिनमें जीन्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के जेनेटिक लिंकेज होती हैं, उनमें यह कैंसर 50 से कम साल के औरतों में भी दिखता है. तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है. अब उनमें एक और रिस्क है कि 50 साल के कम में भी दिखेगा, और जिनमें ये जीन्स हैं उनमें चांसेस कैंसरस होने के बहुत ज़्यादा होते हैं. नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है? ये ब्रेस्ट सेल्स के अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे हर सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं और बढ़ती हैं, तो कैंसर्स में वो रिपीटेडली एंड रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं और अबनॉर्मली मल्टीप्लाई करती हैं, और इस तरह से वो ट्यूमर्स बनाती हैं. नाउ ये इसमें एक जीन है, दैट इज़ BRCA1 जीन एंड BRCA2 जीन्स. इसको ब्रैका जीन भी कहते हैं हम. ब्रैका जीन रिस्पॉन्सिबल होती है सेल्स में जो DNA होते हैं उनकी अगर डैमेज हो गई है तो उनको रिपेयर करती है. और इस जीन का कोई म्यूटेशन हो गया, इसमें कोई चेंजेस हो गए, हार्मफुल चेंजेस या पैथोलॉजिक चेंजेस हम कहते हैं, ये चेंजेस अगर हो गए तो ये अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती है और ये इनमें कैंसर्स होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं. वैसे तो ढेर सारे जेनेटिक एरर्स होते हैं और लिंकेजेस होते हैं, बट BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जीन्स हैं. तो अगर हम किसी की जेनेटिक टेस्टिंग कर लें और पता कर लें कि उनमें ये जीन्स हैं, तो हम उनको बचा सकते हैं कैंसर से. नाउ ये जीन्स जिनमें होती हैं उनके कैंसर होने के चांसेस 60% होते हैं, कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन जिनमें ये जीन नहीं है उनके चांसेस 13-14% होते हैं. तो ये बहुत सिग्निफिकेंटली हाई रिस्क है जिसमें जीन्स हैं. प्लस उनमें यंग एज में भी ये हो सकता है. तो नॉर्मली हम आराम से ये सोच के ना बैठें कि 50 के ऊपर ही होगा, यंग एज में भी ये कैंसर हो सकते हैं. तो उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट हम करा सकते हैं, रूटीन स्क्रीनिंग करा के अर्ली डायग्नोसिस भी हम कर सकते हैं. नाउ ये जीन जिनमें आती है उनमें कुछ और कैंसर्स के लिए ये लोग ज़्यादा हाई रिस्क के लिए रहते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, साथ में ओवरीज की भी कैंसर हो गई. ओवरीज के पास ही फेलोपियन ट्यूब्स होता है जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन ट्यूब का भी कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं. प्लस पैनक्रियाटिक कैंसर्स भी होते हैं, और प्रोस्टेट मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर के भी रिस्क होते हैं. अब हम इनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर इनकी जानकारी हमें होगी तो फिर हम उस पॉपुलेशन को जनरल पॉपुलेशन से अलग कर सकते हैं और उनकी जांच और उनके स्क्रीनिंग टेस्ट थोड़ा फ्रीक्वेंटली करा सकते हैं. अगर उनमें ये जीन्स किसी में भी हमें पता चलता है तो उनको हम कुछ उनके गाइडलाइंस हैं कि कैसे उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए और कैसे अपने आप को वो बचा सकती हैं. बट उसके पहले एक बार ये बात कर लें कि किनको ये जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए. तो उन औरतों को जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके फैमिली में किसी को भी कभी भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तो भी आपको ज़रूर जाना चाहिए इस जीन टेस्टिंग के लिए. अगर आपकी कभी ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है तो भी आपको इस जीन टेस्टिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए. या फिर आपके फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, किसी मेल मेंबर को, या किसी को पैनक्रियास का कैंसर है, तो भी आपको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए. तो ये टेस्टिंग होती कैसे है? ब्रैका जीन की टेस्टिंग जो होती है ये हम ब्लड से कर सकते हैं, जिसमें हम ढूंढते हैं जर्म लाइन टेस्टिंग, मतलब फैमिली से फैमिली में आती रही है कि नहीं, हम ये चीज़ पता करते हैं. और दूसरी, किसी को कैंसर है तो ट्यूमर सेल्स की भी टेस्टिंग करते हैं, उसमें भी हम पता कर सकते हैं कि ये जीन पॉजिटिव है कि नहीं. बट दोनों में फ़र्क है. अगर सिर्फ आपके ट्यूमर में जीन है बट ब्लड में नहीं है तो आप कैरियर नहीं हैं, आपको रिस्क बहुत कम है, आपके रिस्क ऑफ रिकरेंसेस मतलब रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है. बट अगर आपकी ब्लड में पॉजिटिव है मतलब आप कैरियर हैं, और इससे ये हेल्प मिलेगा कि आप अपने ब्लड रिलेटिव्स को भी वार्न कर सकते हैं, उनकी भी टेस्टिंग हो सकती है और ये पता लगाया जा सकता है कि पूरे फैमिली में किस किस को रिस्क ज़्यादा है. नाउ अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो
तो जैसे ही आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे कि आपकी स्क्रीनिंग कैसे होनी चाहिए। नॉर्मली अगर आप जीन पॉजिटिव नहीं हैं तो हम 40 से स्टार्ट करते हैं, 40 से एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स के इंटरवल में मैमोग्राफी कराते हैं। अगर 40 से कम है और किसी को सस्पिशियस कोई लंप मिल रहा है या कोई गांठ पता चला रूटीन एग्जामिनेशन में, तब हम अल्ट्रासाउंड्स के लिए जाते हैं। बट अगर आप ब्रका जीन पॉजिटिव हैं तो ये स्क्रीनिंग 35 यंगर एज से ही शुरू कर दी जाती है। 35 ईयर्स के एज से हम शुरू कर लेते हैं और एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स टिल 40 ईयर्स, और 40 के बाद हर साल एडवाइज्ड होता है कि भाई आप करते रहे, क्योंकि ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है और कभी भी ये अपीयर हो सकता है। और अगर इन्वेजिव फॉर्म ऑफ कैंसर है, मतलब रैपिडली ग्रोइंग कैंसर है, तो वो फास्ट बढ़ता है, इसलिए हर साल बोला जाता है कि भाई आप हर साल एक बार अपनी मैमोग्राफी करा लीजिए। अगर आप पॉजिटिव आएँ तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली कंप्लीटेड है, बच्चे आपके हो चुके हैं, यूट्रस का काम हो चुका है, तो आपको ओवरीज निकालने की भी सलाह दी जा सकती है, या आपकी ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आप नहीं भी है, जीन पॉजिटिव हैं तो ब्रेस्ट भी निकाल सकते हैं, आप मैस्टेक्टमी के लिए जा सकते हैं। ब्रेस्ट टिश्यू निकाल दी गई तो रिस्क ऑफ कैंसर बहुत ही कम हो जाता है, ऑल्दो पूरा नलीफाई नहीं हो सकता, ऐसा हम कुछ भी सर्जरी करके पूरी टिश्यू को नहीं निकाल सकते, बट स्टिल सर्जरी कैंसर के रिस्क बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव सर्जरी। हमने जीन पॉजिटिव थी, रिस्क कैंसर के हाई थे, इसलिए हमने ब्रेस्ट ही निकाल दी। और सिंस ये जीन जिसको प्रेजेंट है उसमें ओवेरियन कैंसर के भी रिस्क हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के भी रिस्क ज़्यादा हैं कैंसर्स के, तो हम वो भी सर्जरी करके ओवरीज और ट्यूब्स निकाल सकते हैं। बट कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं कि उनको लगता है नहीं, अभी ओवरीज निकाल दी तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ओवरीज निकल गई तो आपको मेनोपॉज हो जाएगा, अर्ली मेनोपॉज हो जाएगा, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कुछ लोग इसके लिए अग्री नहीं करते हैं, तो उनको हम या तो फॉलोअप में रख सकते हैं, जैसे रूटीन ईयरली साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर लिया, डॉक्टर्स के पास आ गए, हमने उनको फिजिकल एग्जामिनेशन करके चेक किया, और उनको कुछ ड्रग्स पे भी डाल सकते हैं, कुछ हार्मोन्स पे डाल सकते हैं जो कि कैंसर्स प्रिवेंट करती हैं कुछ हद तक, तो उनको प्रोटेक्शन इससे भी मिलता है। तो ये हो गए जेनेटिक टेस्टिंग के बेनिफिट्स, कैसे हम आने वाले कैंसर्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, या जल्दी डायग्नोस हो गया कैंसर तो उससे भी कैसे आगे स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। क्योंकि जिनको पॉजिटिव है, जो ब्रका जीन पॉजिटिव हैं और उनको एक ब्रेस्ट में कैंसर है, तो उनको चांसेस ज़्यादा हैं कि दूसरे में भी कैंसर हो जाए, दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर हो जाए, एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, जिसमें कि दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, बट जीन पॉजिटिव वालों को चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लस उनके बाकी ऑर्गन के भी कैंसर्स हो सकते हैं, तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। प्लस ये ट्रीटमेंट मोडालिटी में भी हेल्प करती है, जीन पॉजिटिव हैं और वो हार्मोन पॉजिटिव भी हैं तो उनमें कीमोथेरेपी भी हेल्प करती है, हार्मोनल थेरेपी भी हेल्प करती है, सर्जरी तो करा ही लिया बट उसके बाद भी, या फिर कैंसर अभी नहीं है सिर्फ जीन पॉजिटिव है, तो उनमें हम दवाइयाँ भी दे के उनको बचा सकते हैं या उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी और आगे से आप अपना ध्यान रखेंगे, और कहीं भी आपको शक होता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा पॉजिटिव केस है या आपको डाउट हो रहा है, तो आप इस जीन टेस्टिंग के लिए ज़रूर जा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद।